महंगाई नहीं जाता तो भारत जो है हम लोग का आज मुस्लिम राज हो जाएगा। अगर महंगाई नहीं आएगा तो लोग मुस्लिम राज में कैसे। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग मौजूद है यहाँ पटना के बिस्कुमान भवन पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई टेबल लगे हुए हैं, पीछे प्याज का स्टॉक रखा हुआ है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लंबी भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी, ठीक वैसे ही लाइन जो नोटबंदी के वक्त लगी थी। और उस वक्त भी लोगों के अंदर जुनून था कि वो देश के लिए लाइन में लगे हुए हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि इस नोटबंदी की वजह से कई लोगों की जाने गई हैं, इस नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो रही है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जब हम लोगों ने लोगों से बातचीत की तो काफी अतरंगी नजरिए हमें देखने को मिले, ठीक उतना ही अतरंगी जितना ही अतरंगी ये मेरी बंडी है, वैसे ही रंग बिरंगी। इतनी अतरंगी कि लोग ये कह रहे थे कि अगर प्याज मोदी सरकार महंगी ना करे, महंगाई ना बढ़े, तो ये जो देश है ये मुस्लिम देश बन जाएगा। तो प्याज महंगा खरीदना भी लोगों को आज के वक्त में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक स्टेप लग रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से लोगों के मन में ये बात भरी जा रही है और उन लोगों का क्या कहना है। ये मोदी का कोई दोष नहीं है, मोदी सरकार का क्या दोष? आपको हम बांटने दे दिए, आप अपना घर में रख लीजिए तो मोदी सरकार हर जगह बैठ के मोदी सरकार काम करेगा, नहीं ये गलत है। लेकिन महंगाई तो सरकार के महंगाई नहीं जा सुनिए महंगाई नहीं जाता तो भारत जो है हम लोग का आज मुस्लिम राज हो जाएगा। अगर महंगाई नहीं आएगा तो लोग मुस्लिम राज में कैसे अच्छा से महंगाई हम लोग को सुरक्षित है। महंगाई से हिंदू राष्ट्र से कैसे 2 रुपया महंगाई से जा रहा है कैसे हम लोग का सुरक्षित? महंगाई तो दोनों के लिए है। हाँ सुरक्षित है कैसे, महंगाई से देश कैसे सुरक्षित? आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर भी लड़ाई हो जाए हो जाएगा तो आप उसके बम और गोली के लिए कहाँ से पैसा लाइएगा? तो प्याज महंगा करने से गोली आएगी, कुछ कम महंगाई से आएगा, सरकार के यहाँ 2 रुपया भी बचेगा। लेकिन देश में जो मुसलमान रह रहे हैं, जो हिंदू रह रहे हैं, उन दोनों के लिए रोड बन रहा है, आई मेट्रो बन रहा है, कहाँ से बनेगा? लेकिन उसके लिए तो सरकार लोन ले रही है। एक आदमी को मोदी सरकार के कर दीजिए तब भारत के लिए अच्छा होगा। लेकिन 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 सरकार तो लोन ले रही है ये सब बना, लोन ले रही, फिर भी ये बात है कि हम मतलब महंगाई जरूरी है। हाँ महंगाई है, हम लोग सुरक्षित है, सब यहाँ का यहाँ सुरक्षित है। तो आप, आपके घर में कितने लोग? हमारे घर में 8 लोग हैं। तो 8 लोगों में तो आप लोग के ऊपर बहुत खर्चा का बोझ आता है। खर्चा तो कमा 8 लोग कमाएगा भी तो कि बैठ कर दे देगा सरकार। लेकिन जो गरीब लोग है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे फिर रहे? तो उसके लिए भी रोजगार है, मेट्रो बन रहा है, उसमें काम नहीं करेगा? पढ़े बिना पढ़े लिखे का भी काम है, पढ़ा हुआ का काम है, ऐसा नहीं है कि रोजगार का अधिनियम है, ऐसा थोड़ी है कि ना मतलब सस्ता प्याज नहीं होना। हम ही नहीं कहेंगे सस्ता कहा नहीं हो, सब कुछ सस्ता हो जाए, सरकार को इतना इनकम देंगे तभी तो बचाएगा। आज महंगा हुआ कल सस्ता भी होगा। लाया गया है 15 kg के लिए, तो 15 आदमी का लिमिट कौन दिया इनको, कौन पावर दिया है पहले अभी तो पूछा जाए। वो कह रहे हैं कि हम अंदर से लाके ऐसे ही बांट रहे हैं समाज से। डायरेक्ट उनको कैसे संपर्क सूत्र मिला, कैसे संपर्क मिला तब देखे तो अभी पेमेंट के साथ वो पकड़े गए, तो अंदर से कौन भी दिया, कोई सीनियर तो होगा ना इनको देने के लिए, वो सीनियर से पूछा जाए, उन सीनियर से पूछा जाए कि कौन ऐसे काम किया है। देखिए फिर से वहां पे मीटिंग लग गया, उन लोग का चोरी पकड़ा गया है। बताइए महिलाएं बहनें माताएं बहनें जो भी हैं दूर दूर से 40 रुपया 80 रुपया भाड़ा लगा के मात्र 1 रुपया 2 रुपया प्याज बचाने की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। आई सुबह से बिना भूखे भी आए, बरस किए हुए हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। आए ये तो नहीं आप, आप करने के लिए लोग ले जा रहे हैं मात्र 1 रुपया बजट के लिए, अभी बहने दूर दूर तक चली जाती हैं। अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई हर जगह, जी रसोई गैस महंगा है, चावल दाल आटा सब कुछ महंगा है, प्याज महंगा है, तेल महंगा है। आप क्या कहना चाहते हैं मोदी सरकार को, जो लोगों को लाइन में भी लगवा रही है चीजें भी महंगी? पहले हटाइए, यही कहना चाहते हैं कि हटाइए, आने के बाद महंगाई इतना बढ़ा दिया है कि हम लोग मर रहे हैं। आप यहाँ पे प्याज लेने के लिए आए हैं, आए थे बट नहीं दिया इन लोगों ने, 3:20 में लाइन से हटना पड़ गया, लगे हुए थे 2 घंटा से। क्या कहा जा रहा है, क्यों आप लोग को प्याज? लेडीज लोग को 2-2, 4-4 बार दिया हुआ है, लिए हुए हम लोग, और हम लोग लाइन लगे हुए थे 1 बार भी नहीं। और कब से लाइन लगे? लाइन तो हम 2 घंटा से लगे हुए थे। बाहर में कैसे प्याज मिल रहा है, कैसे रुपए किलो प्याज मिल रहा है, यहाँ कैसे मिल रहा है? बाहर में 60 रुपए के लगभग में, और यहाँ पर 60-80 के, और यहाँ पे आपका है 25 रुपए।
तो आप ये बताइए, जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, प्याज की कीमतें बढ़ी हैं और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जो बढ़ रही है, खासतौर से राशन की चीजें, तो क्या ऐसे स्टॉल लगा देने से उसका समाधान हो जाएगा? नहीं, लगना चाहिए, लेकिन व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लगना है, ठीक है लगा, लेकिन ये क्या, किसी के घर में 10 किलो गया, कोई 2 किलो में आया था, वो भी खाली यहाँ जा रहा है, तो व्यवस्था होना चाहिए। बिस्कुमान मतलब आया मिल गया, ऐसा नहीं, बिस्कुमान मतलब व्यवस्था होना चाहिए। क्या खुदरा बाजार जो है, जो ठेला पर बेच रहे हैं लोग, क्या वहाँ पर प्याज सस्ता नहीं होना चाहिए? वहाँ भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार का गाइडलाइन नहीं रहेगा तो कहीं नहीं होगा ना, ये तो गाइडलाइन है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार मिला नहीं ना, यहाँ पर भी नहीं। कहे तो कोई एक बोरा भी ले जा रहा है, पैकेट भी ले जा रहा है, और कोई खाली हाथ जा रहा है। मैम, जैसे सरकार की गाइडलाइन भी है कि किसी को ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, लेकिन कई लोग बोरा बोरा लेके गए हैं यहाँ से। मैम, अभी हम लोग बाहर भी एक फुटेज लिए हैं, और ये काउंटर बंद होने के बाद, आगे का जब काउंटर बंद हो गया, जैसे कि कोई SBI के कर्मचारी हैं, वो लोग ले गए हैं, बट वहाँ पे एक बार में सारे कर्मचारी नहीं आ सकते हैं, तो वो एक बार ले गए हैं पैसा पेमेंट कर, वहाँ ले जाके वो लोग स्पेशली बांट देंगे। लेकिन मैम वो तो कर्मचारी नहीं, नहीं वो बैंक के कर्मचारी थे, उनके हम लोग ID चेक करके भी दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग काउंटर बनाए हैं। तो आप एक बार बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ से देखिए आया है लिस्ट। होता क्या है कि कर्मचारियों को यहाँ से हम नहीं बुलाते हैं, अब ये जो है कल इनको बोरा वहाँ बैंक में भेज देंगे, और पिकअप मेरा बैंक में लेके जाएगा, वहीं डिस्ट्रीब्यूट करके पैसा लेके चला है। इसी तरह केनरा बैंक, SBI बहुत जगह ले गए हैं, कोई NGO है जो उनका प्याज गया है, सब लिस्ट के हिसाब से आप। हाँ, ऐसे थोड़े दे देते हैं, देखिए ना आपको कौन ना रहे हैं, कई लोग ऐसा बाहर में कह रहे थे कि जो लोगों को बोरा मिल जा रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा, दो दो दिन से लाइन। उसका जवाब तो वही लोग देंगे, हम कैसे दें? यहाँ पे निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ दिया, कुछ नहीं, बस यहाँ वही इंस्टीट्यूशन का जो है, इंस्टीट्यूशन का है। अब जैसे कि कमिश्नरी ऑफिस में गया, DM ऑफिस में गया, अब DM साहब को हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ आइए ले जाइए, उनका लिस्ट आ गया, हम भेज दिए, पैसा करेक्शन करके आ गए। यहाँ पर हमारी जो टीम है वो आई थी यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए। ग्राउंड रियलिटी अभी भी ये है कि प्याज काफी महंगा है, लेकिन सरकार की उपलब्धि ये है कि लोगों का ध्यान अभी भी प्याज से ज्यादा हिंदू मुस्लिम के डिबेट में है। प्याज महंगा होने से किस तरीके से सरकार को इनकम होगा, किस तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बनने से बचा जा सकता है प्याज महंगा होने से, ये भी लोग अच्छे से बताते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा, आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके शहर में, आपके जिले में प्याज के क्या दाम है आप हमें कमेंट करके बताएं, और ये बताएं कि आपके जिले में क्या इस तरह की सुविधा है कि जहाँ पर सस्ते में प्याज बांटा जा रहा है, अगर हाँ तो वहाँ पे क्या आप लोगों को प्याज मिल रहा है। धन्यवाद।